दशहरारे अघटन खबर आसुछि। मुंबई परेल स्टेशन रे दळा चकटा। एल्फिनस्टोन रोड एवं परेल स्टेशन को संजोग करथवा फुट ओवर ब्रिज परे दळा चकटा। एई घटना रे 22 जणकर जीवन जायछि। मृतकक मध्ये अछंती 13 जण पुरुष, 8 जण महिला एवं जणे छोटो पिला। दुर्घटना रे 33 जण आहत भी होइछंती। प्रबल वर्षा जोगु दळा चकटा होइतबा आशंका करा जाउछि। शॉर्ट सर्किट कारणर मध्ये दळा चकटा होइथाय पारे बोली संदेह करा जाउछि। घटनास्थल रे पुलिस पहुंची तदंत जारी रखिछि। निकटस्थ केम हॉस्पिटल रे आहतंकु भर्ती करा जाइछि। आहत एवं मृत व्यक्तिक संपर्क रे सूचना देबाकु रेलवे पुलिस पक्षरु हेल्पलाइन नंबर भी जारी करा जाइछि। तबे मुंबई दळा चकटा घटना रे दुख प्रकाश करबा सहित उच्च स्तरीय तदंत निर्देश दैछंती रेल मंत्री पीयूष गोयल। जिन लोगों की इस हादसे में मृत्यु हुई है उनके परिवारों को मैं सांत्वना देता हूं। दिल बहुत भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो इस दुख की घड़ी में परिवार का साथ दें। मैंने हाई लेवल इंक्वायरी चीफ सेफ्टी ऑफिसर वेस्टर्न रेलवे से ऑलरेडी ऑर्डर कर दी है, जो उस पूरे कारणों में जाएगी और जगह का भी इंस्पेक्शन करके हमें जल्द से जल्द बताएगी कि इसके क्या कारण थे। तबे रेलवे प्रवक्ता अनिल सक्सेना कहिछंती तदंत लागि निर्देश दिया सरिछि। तबे प्रारंभिक तदंत परे ही दुर्घटना कारण कौन तहा जणा पडियो बोली से कहिछंती। अभी खबर मिली है ग्राउंड जीरो से, उसमें 22 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और 27 लोग घायल हैं। हम घायलों के उपचार में लगे हुए हैं और बेस्ट रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पे हमने चलाया हुआ है। हमारा रेलवे का पूरा प्रशासन अमला वहां पहुंचा हुआ है। जनरल मैनेजर जो है केम हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं, जहां पर घायलों को ले जाया गया है। इधर मुंबई डिवीजन के डीआरएम वगैरह ये सारा अमला जो है इस वक्त रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में स्पॉट पर एक्सीडेंट साइट पर उपलब्ध है। क्या वजह बताई जा रही है कुछ? नहीं, अभी तो देखिए कुछ शुरुआती तो कुछ एसर्टेन करना ऐसे माहौल में आसान भी नहीं होता, और अभी पूरी जांच के बाद ही ठीक से पता लगेगा कि किस सीक्वेंस में किन परिस्थितियों में घटना हुई है। अभी जांच के आदेश भी हो गए हैं और हमको जांच का प्रतीक्षा करनी चाहिए।